माई डियर स्टूडेंट्स इन दिस मॉड्यूल we will learn regarding growth and development of cities. Uh, जैसा कि आप जानते हैं कि इंसानी तारीख जो है uh, ये बहुत पुरानी है और सिटी uh, की डेवलपमेंट पे कि पहला शहर जो है वो कब बना और किसको क्या डेफिनेशन uh, है जिसके तहत हम किसी सेटिंग uh, को किसी सेटलमेंट को हम सिटी का टाइटल देंगे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है लिटरेचर में हिस्ट्री में तो लेकिन जनरली मैसोपटीमिया और उसके एरियाज़ में जो है जो डेवलपमेंट्स हुई ह्यूमन बीइंग्स की तो वहाँ से जो स्कॉलर्स हैं वो इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि वहाँ से एक बुनियाद पड़ी कि जहाँ लोगों ने शहरों की शक्ल में जो है वो एक डिफरेंट सेटलमेंट में डिफरेंट सेटिंग में जो है ग्रेजुअली रहना शुरू किया ओवरऑल अगर हम देखें तो विद द एडवेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी ग्रेजुअली ह्यूमन सोसाइटी जो है वो चेंज होती रही और अल्टीमेटली आज जिस तरह के शहरों में हम रहते हैं तो दिस दिस इज़ द मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़ तो ट्रांजिशन फ्राम ट्रेडिशनल और फ्यूडल सोसाइटी टू मॉडर्न और कैपिटलिस्ट सोसाइटी के हम अगर ओवरऑल देखें तो स्टोन एज से ले बारबरिज्म से ले कर आप जो एक रूरल सेटिंग है एग्रीकल्चरल एक सोसाइटी है वहाँ से आप ग्रेजुअली अगर आए तो आप अर्बन सेटिंग और फिर इंडस्ट्रियल और इस तरह से पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में हम आते हैं तो ग्रेजुअली हम देखते हैं कि जो ह्यूमन पापूलेशनस हैं ये डिफरेंट बेसिकली uh, इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं डिफरेंट नीड्स हैं और डिफरेंट डायमेंशनस हैं जिनकी वजह से ह्यूमन पापुलेशन ग्रेजुअली किसी एक जगह पर uh, रहना शुरू हुई और उसमें हम देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इकनॉमिक एक्टिविटी है ठीक है इंटर डिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स हैं कि कैसे इंसानों को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ी और फिर जो सिटीज़ हैं उनकी अपनी जियोग्राफिकल और उनकी क्लाइमेट के हवाले से उनकी सिग्निफिकेंस है कि कौन से एरिया में जो इंसान ज़्यादा सेफ़ तरीके से रह सकते थे या वहाँ पे कौन सा रॉ मटेरियल था या फ़र्ज़ करें एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रॉप्स की प्रोडक्शन जो है वो इजी थी तो ग्रेजुअली हम आ, कह कह लें कि ये आ, हमें जानना चाहिए कि इस तरह से एक पूरी ट्रांज़िशन हुई ह्यूमन सोसाइटी की कि एक अनऑर्गेनाइज्ड स्कैटर्ड पापुलेशन से ग्रेजुअली ह्यूमन बीइंग्स ने लर्न किया कि वो अगर शहरों में यानी अर्बन सेटिंग में या ऐसी पापुलेशन uh, ऐसे एरियाज़ में रहें जहाँ पे वो अब एक दूसरे की ज़रूरिया को पूरा कर सकें तो वहाँ पे उनको बेनिफिट नज़र आया और ग्रेजुअली इस तरह से सिटीज़ जो हैं वो डेवलप होना शुरू हुए उसमें हम देखते हैं कि जो अर्बन डेवलपमेंट है ग्रेजुअली यानी जो सिटीज़ को डेवलप करने वाला एक एलिमेंट है उसका भी एक कंट्रीब्यूशन रहा और उसमें सिटी की इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसके रोड्स और स्ट्रीट्स हैं सीवरेज सिस्टम है इनकी डेवलपमेंट का भी ओवरऑल शहरों की तरक्की में और शहरों की कह लें कि उनकी डेवलपमेंट एक उसके अंदर एक मेन रोल रहा है तो सिमिलरली जो सिटी हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हम आ, देखते हैं कि पहले दौर में मुनाक्स होते थे और उनका एक अपना कंट्रोल होता था पापोलेशन के ऊपर और वो जो कंट्रोल है वो इस तरह का था कि टोटल लैंड जो है वो उनकी परमिशन के बग़ैर उसकी यूटिलाइजेशन मुमकिन नहीं थी और जितने भी रिसोर्स होते थे सबके ऊपर मुनाक्स जो हैं वो आ, उनका इन्फ्लेंस होता था लेकिन ग्रेजुअली लोगों ने जो है वो लर्न करना लर्न किया कि दे हैव हाँ देयर ओन वैल्यूज़ और लोगों को अपने पोटेंशियल का पता चला और फिर कह लें कि चेंज हुआ एक सोशल सेटिंग जो है मुनाक से ओवरऑल डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज़ हैं उन्होंने आ, वो प्रमोट हुई और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो हैं ग्रेजुअली लोगों को कह लें कि एक यूनानिमस डिसशनस की तरफ लेके आई और इस तरह से ओवरऑल एक टोटल अप्रोच जो है वो चेंज हुई और सिटीज़ जो हैं इमर्ज हुए और बजाय इसके कि कोई एक ट्राडिशनल या कोई क्रिजमेटिक अथॉरिटी चले जैसे हम वेबर के सेंस में देखते हैं कि फिर रैशनल अथॉरिटी रैशनल बेस्ड अथॉरिटी जो है उसने जगह ली और ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन के मॉडल को जो है अडॉप्ट किया गया और इस तरह से यानी लोगों ने एक आ, रैशनल बेसिस पे और यूनानिमस डिसीजन मेकिंग को जो है पसंद किया और अल्टीमेटली सिटीज़ की डेवलपमेंट के लिए काम किया यानी सिटीज़ की जो डेवलपमेंट है वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है और इसमें बायोलॉजिकल एंड सोशल हाइब्रिडाइजेशन है जब हम कहते हैं बायोलॉजिकल और सोशल हाइब्रिडाइजेशन तो इसका मतलब ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों की जो जो रेसेस हैं जो उनकी डिफरेंट नस्लें हैं उनमें चेंज आया और साथ साथ जो उनके रहन सहने का अंदाज है जो सोशल एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ है उसमें भी चेंज आया और उसके साथ साथ यानी एक पूरा एक हाइब्रिडाइज्ड प्रोसेस के थ्रू लोगों ने अल्टीमेटली सिटी सेटिंग्स में जो है वो रहना शुरू किया सिटी एमर्ज एज सोर्सेज ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ एक्टिविटीज़ सेंटर्स ऑफ लर्निंग एंड कल्चर ग्रेजुअली जो सिटीज़ हैं दे गेंड द स्टेटस ऑफ सेंटर्स ऑफ लर्निंग एंड कल्चर वहाँ पर डिफरेंट फेस्टिवल्स होने लगे इकनॉमिक एक्टिविटी होने लगी और जो है डिफरेंट कह लें कि जो एक इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है वो प्रमोट हुई और आज हम देखते हैं कि ओवरऑल एक ड्रास्टिक चेंज है एक कह लें कि इंडस्ट्रियल और पोस्ट इंडस्ट्रियल स्टेटस में अब हम हैं और इंडस्ट्री जो है एक ख़ास अंदाज से सिटीज़ को आ, तरक्की देने के लिए उसका एक रोल है तो सिटी एज़ ए मैगनीफाइड हाउस होल्ड विथ स्पेशलाइज्ड फंक्शंस एंड डिवीजन ऑफ लेबर ममफर्ड बेसिकली इसने ओवरऑल सिटीज़ की डेवलपमेंट पे इसका खासा वर्क है एक अर्बन सोशालोजिस्ट है Uh, जो ये कहता है कि जो सिटीज़ uh, हैं दे आर बेसिकली मैग्नीफाइड हाउस होल्ड विद स्पेशाइज फंक्शंस यानी हर शहर जो है उनके अपने स्पेशलाइज्ड फंक्शंस हैं उसमें डिवीजन ऑफ लेबर है डिफरेंट uh, जो uh, हम कहते हैं प्रोफेशनलाइजेशन है और uh, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो इस तरह से एक सिटी के अंदर डिफरेंट कह लें कि वराइटी है डिफरेंट एक्टिविटीज़ की हर फील्ड जो है उसके स्पेशलिस्ट मौजूद हैं और उस स्पेशलाइजेशन की बेस पे जो है देर आर एक्टिविटीज़ टेकिंग प्लेस इन द सिटी और इस तरह से कह लें कि मैक्स मार्क्स इन व्यू ऑफ द सिटी एज कैश नैक्स यानी अगर इकनॉमिक कॉन्टेक्स में हम देखें तो वो कॉल मार्क्स जो है वो उसको इकनॉमिक एक्टिविटी और कैश नेक्सस के हवाले से देखता है कि वहाँ पर अर्बन सेटिंग में लोग जो हैं वो एक दूसरे से गिव एंड टेक के कॉन्टेक्स्ट में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं और इस तरह से ओवरऑल एक अर्बन सेटिंग जो है वो प्रमोट होती है सिमिलरली अगर हम सिमल के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ब्लेज एटीट्यूड की बात सिमल करता है यानी वो ओवरऑल सिटी सेटिंग के अंदर लोगों के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को इस कॉन्टेक्स्ट में इंटरप्रेट करता है कि लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ कोई गिव एंड टेक के हवाले से यानी एक सॉर्ट ऑफ आर्टिफिशलिटी जो है उनके बिहेवियर में है यानी जिसको किसी से काम है तो वही एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेगा और जैसे एक सोशल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है अमंग द ट्रडिशनल रूरल सेटिंग्स तो उस तरह से सिम्बल के मुताबिक सिटी लाइफ में नहीं होता बल्कि एक एक सॉर्ट ऑफ इनडिफ्रेंस होती है एटीट्यूड में कि जब तक कोई काम है तो फिर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश रहती है और लोगों की ओवरऑल रिलेशनशिप uh, में एक एक एलिमेंट ऑफ आर्टिफिशलिटी जो है वो प्रिवेल करता है सिटीज़ के अंदर uh, एक कम्युनिकेशन और एक्सचेंज जो है दे दे आर द टू मेन एलिमेंट्स के जिसकी वजह से सिटीज़ की ग्रोथ होती है यानी कम्युनिकेशन अगर प्रॉपर है उसमें ट्रांसपोर्टेशन भी है और उसके अलावा रॉ मटेरियल को लेके जाना या फिनिश प्रोडक्ट्स को तैयार करना और फिर दूसरे डिफरेंट लोकेलिटीज़ तक उनको पहुँचाना और दूसरा जो है एक्सचेंज है यानी एक्सचेंज ये है कि डिफरेंट जो स्पेशल uh, uh, कोई आइटम्स हैं जो किसी एक जगह से रिलेटेड हैं कोई रॉ मटेरियल है वो दूसरों के साथ एक्सचेंज हो और उसकी तरह उसकी वजह से ओवरऑल जो एक इकनॉमिक एक्टिविटी है उसको प्रमोट किया जाए तो इस तरह से uh, कह लें कि हम अगर देखें तो जितनी इंसानी तारीख पुरानी है उतनी ही जो सिटी है जो सिटी सेटिंग है उसकी हिस्ट्री uh, भी पुरानी है और uh, हम एवोल्यूशन को देखें अगर ह्यूमन सोसाइटी के तो डिफरेंट स्टेज uh, से गुजरते हुए आज हम मॉडर्न सिटीज़ हमारे सामने हैं उनमें से हम डिफरेंट टाइटल सिटीज़ को देते हैं समटाइम्स हम कहते हैं कि ये स्मार्ट सिटी है ठीक है ये जो है ये मर्चेंट सिटी है ये गार्डन सिटी है ये रिक्रिएशनल सिटी है तो इस तरह से डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्टन सिटीज़ हम उनको कैटेगराइज भी करते हैं अगर कहीं पे इंडस्ट्रियल है इंडस्ट्री है तो हम उसको कहते हैं कि ये इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं और अगर कोई किसी के सबजुगेशन में रहे हैं किसी के कंट्रोल में रहे हैं तो हम कहते हैं ये कॉलोनियल सिटीज़ हैं तो ओवरऑल जो सिटीज़ की डेवलपमेंट है हम ये कह सकते हैं कि ये एक ह्यूमन सोसाइटी की एवोल्यूशन का रिजल्ट है और आज जो हम जिस सिचुएशन uh, में हैं ये बेसिकली ह्यूमन एफर्ट और ओवरऑल एक नेचुरल जो प्रोसेस है डेवलपमेंट का उसका नतीजा है